देखिए, इस टॉपिक में हम लोग एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब इसमें सर्किट बनाए गए जिसमें एक इंडक्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा, ठीक है। ऑसिलेशन के नाम पे दो तीन चीजें होंगी कि भाई चार्ज का ऑसिलेशन होता है, एनर्जी भी ऑसिलेट करता है, तो किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो, सबसे पहले जो सर्किट होगा वो कैसा होगा, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, ठीक है। सपोज कैपेसिटीज C एंड इंडक्टेंस इज L। यहां तक समझ आ रहा है? तो सबसे पहले इसको विजुअलाइज करें, एनालाइज करें मोशन को, कि है क्या, क्या हो रहा है। तो देखो, ये जो हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया होगा शुरू में, तो देखो अभी सर्किट ओपन है, तो सर्किट इनकम्प्लीट है। तो इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज प्लस Q एंड माइनस Q, लिख सकते। जैसे सर्किट को हम लोग कंप्लीट करते हैं तो क्या होगा, करंट शुरू होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो सपोज द करंट इन द सर्किट इज आई एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी जो करंट इन द सर्किट हो गया, सपोज इट इज आई, लिख सकते। तो जो लिखा हुआ है हमने एलसी ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन का मतलब क्या है, ये चीज समझ लिया जाए यहां पे। तो देखिए, ऑसिलेशन मतलब क्या हुआ, करंट अभी टी जीरो से, मैं ऐसा दिखा रहा हूं, टी जीरो पे जो चार्ज है आपके पास, ठीक है, मैं ऐसा देख रहा हूं, अगर चार्ज की बात करो ये कितना है क्यू, ठीक है, इस प्लेट की बात करें तो इनफैक्ट प्लस क्यू लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और जो करंट इन द सर्किट है वो कितना है, तो टी जीरो पे तो करंट कितना होगा, जीरो। जस्ट शुरू किया हमने तो करंट बढ़ना स्टार्ट होगा टाइम के साथ, लिख सकते ना। तो अब देखो, अब क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो करंट इंक्रीज होगा। तो करंट इंक्रीज हो रहा है तो दो तीन चीजें समझना आप, कि भाई यहां पे करंट चेंज हो रहा है, मतलब डी आई बाई डी टी ये नॉन जीरो है, डी आई बाई डी टी क्या है, नॉन जीरो है, इनफेक्ट पॉजिटिव है। टाइम टी एक जीरो पे आई था, फिर ये जीरो था, फिर बढ़ रहा है, तो हम लोग अभी ऐसा लिख सकते। तो ये करंट इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहां पे भी जैसे इसमें देखोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ मिल रहा होगा उस इंडक्टर के लिए। तो ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा इस करंट को, इस करंट के फ्लो को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। ये हमने पढ़ा हुआ है माइनस एल डी आई बाई डी टी, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या कर रहा है, इसको रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी ये करंट क्या है, फ्लो हो रहा है। तो ये जो करंट का जो फ्लो है ये क्या कर रहा है, उस फोर्स के अगेंस्ट चार्ज का मूवमेंट है, ठीक है। तो वो जो वर्क डन बाय इंडक्टर है, वो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, वो क्या करेगा, एक एनर्जी इसमें स्टोर होता जाएगा। कौन सी एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। यहां तक समझ आ रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होता गया इसमें, करंट बढ़ता गया, करंट बढ़ता गया, एट एनी टाइम टी चार्ज क्या हो गया इसमें, जीरो। चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या हो गया, जीरो। तो करंट जो था ये आई हो गया, मतलब मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो क्या होगा, और इसके पास अब क्या हो गया, एनर्जी की बात करें तो शुरू में कैपेसिटर के पास जो एनर्जी थी वो सिर्फ मतलब सर्किट की जो एनर्जी थी वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, और वो कितनी थी, कैपेसिटर की वजह से, लिख सकते ना। तो आप इसको क्या लिख सकते, हाफ क्यू वी, लिख सकते हैं ना, हाफ क्यू इंटू वी, ऐसा लिखा हुआ है ना, तो हाफ क्यू इंटू वी, तो आप इसको सी वी स्क्वायर भी लिख सकते, क्योंकि क्यू को क्या लिखते हैं, सी इंटू वी, तो ये क्या आ जाएगा, अब सी वी स्क्वायर लिखो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए क्यू इंटू वी, लिख सकते। यहां तक समझ आए, ये क्यू लिख दिया, यहां तक समझ आ रहा है। तो अगर वी हमें यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो इसको आप इस फॉर्म में लिख दो, कि इसको क्या लिख सकते, Q को क्या लिख दोगे आप, या V को, देखो तो V को क्या लिख देंगे हम लोग, Q by C, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ Q square by C। At the same time जो एनर्जी इन इंडक्टर होगा वो क्या होगा, जीरो, लिख सकते। At this time ये करंट कितना, जो एनर्जी ऑन द कैपेसिटर है ये क्या हो गया, जीरो, बट इंडक्टर में कितना हो गया, हाफ एल आई स्क्वायर। ये हमने पढ़ाया हुआ है आपको कि भाई अगर एनर्जी जीरो टू आई तक इंक्रीज हो रहा है चेंजिंग मैग्नेट करंट की वजह से यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जो वर्क डन होगा वो हाफ एल आई स्क्वायर होगा, और ये एज अ मैग्नेटिक एनर्जी उस इंडक्टर में स्टोर हो जाएगा, लिख सकते। अब क्या हो गया, इस मोमेंट पे मैक्सिमम करंट था तुम्हारे सर्किट के अंदर, ठीक है, इसमें क्या हो गया, मैक्सिमम
करंट था सर्किट के अंदर, अब क्या होगा, करंट सेम डायरेक्शन में आई से अब डिक्रीज होना शुरू होगा, करंट वैसा ही रहेगा। देखो सर्किट में करंट सेम डायरेक्शन में, देखो यहां पे पीक तक पहुंचा, करंट अभी तक क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यहां पे भी डीआई बाई डीटी क्या था, पॉजिटिव था, अब क्या हो गया, करंट डिक्रीज होना शुरू होगा। इसके बाद इस टाइम के बाद क्या होगा, करंट डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, लिख सकते। तो करंट जो आई था वो टाइम के साथ देखो आई बढ़ करके आई हो गया, अब ये फिर डिक्रीज होना शुरू होगा। तो डिक्रीज होता क्या होता गया, एक टाइम पे आके करंट क्या हो जाएगा, फिर से जीरो। ठीक है, तो देखो सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा है जो शुरू जहां से स्टार्ट हुआ था, तो क्यों डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अब जीरो हुआ, जीरो से और डिक्रीज होके क्या होगा, माइनस। तो एट दिस टाइम जो चार्ज हुआ वो क्या हो गया, माइनस क्यू, और जो करंट था वो क्या हो गया, जीरो। अब यहां पे एनर्जी की बात करेंगे तो फिर से देखो यहां पे क्या लिखोगे, ये जीरो लिख सकते हैं ना। अब यहां पे आके फिर से जो हमारे पास एनर्जी है वो कैपेसिटर की हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी और इंडक्टर की जीरो। फिर एक टाइम आएगा, देखना अब क्या हुआ, यहां पे सर्किट की बात करें तो जो प्लस चार्ज था वो माइनस हो गया और जो माइनस था वो प्लस हो गया, करंट जीरो है इस मोमेंट पे। ठीक है, अब फिर से ये प्रोसेस उल्टे डायरेक्शन में शुरू होगा, करंट अब ऐसा स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर एक टाइम के बाद ये जो चार्ज माइनस क्यू है वो क्या होगा, जीरो, करंट क्या हो जाएगा, आई। इनफैक्ट यहां पे जो करंट था ये अगर एंटी क्लॉकवाइज था, है ना, तो यहां पे क्या होगा, ये क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक है, फिर से जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट विल बी जीरो, और जो इंडक्टर की एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यहां तक समझ आए। फिर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता जा रहा है, अब देखो यहां के बाद क्या होगा, लिख सकते हैं ना, यहां तक समझ आए। अब देखो यहां से क्या होगा, फिर से करंट और क्या हो, पीक तक पहुंचा, फिर ये क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। देखो पहले क्यू था, फिर ये जीरो हुआ, फिर ये क्या हुआ, माइनस क्यू, फिर क्या हो गया, जीरो। अब देखो जीरो में करंट अभी मैक्सिमम तक पहुंचा है यहां, ठीक है, अब ये क्या होगा, फाइनली डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, ये फिर क्या, रिड्यूस होना शुरू होगा। तो फिर आफ्टर सम टाइम ये क्या हो गया, प्लस क्यू, करंट क्या हो गया, जीरो, ये क्या हो गया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और ये क्या आ गया, जीरो, लिख सकते। यहां तक समझ आ रहा है, तो देखना जो चार्ज था शुरू में वो प्लस क्यू था, फिर ये जीरो आया, फिर माइनस क्यू, फिर जीरो, फिर प्लस क्यू, तो देखो वापस वहीं तक पहुंच गए एक ऑसिलेशन के साथ। अभी आप ऑसिलेशन को बिल्कुल मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकते क्योंकि मैथमेटिकली इसको प्रूव नहीं किया, एनालिटिकल एक मेथड से हमने यहां तक बताने की कोशिश की। तो टी जीरो पे चार्ज इतना था, तो ये जो टाइम होता है ये टी बाई फोर, फिर ये क्या हो जाएगा, टी बाई टू, फिर ये क्या होगा, थ्री टी बाई फोर, फिर ये क्या आएगा, टोटल टाइम, लिख सकते। तो देखो टी बाई फोर, टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर, फाइनली मतलब एक टाइम पीरियड कंप्लीट होते होते इसने अपना ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, किसने, चार्ज ने। तो चार्ज ऑसिलेट करता है यहां पे, मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे। करंट इतने टाइम में दो बार ऑसिलेट अगर हम लोग यहां पे देखें तो आई जीरो जीरो, फिर लिख सकते हैं ना, जीरो आई जीरो आई जीरो, डायरेक्शन चेंज हुआ। एनर्जी दो बार ऑसिलेट हो गया क्योंकि एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, करंट का डायरेक्शन होता है, तो आप कह सकते हो कि एक ऑसिलेशन हुआ है। ठीक है ना, एनर्जी की बात करें मैक्सिमम जीरो, फिर मैक्सिमम जीरो, फिर मैक्सिमम, मतलब दो बार ऑसिलेशन हो गया। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं इसके टाइम पीरियड की, तो ये क्या हो जाएगा, टी बाई टू, एज वेल एज इंडक्टर के लिए ये भी क्या होगा, टी बाई टू। यहां तक समझ आ रहा है, तो ये किस तरह से ऑसिलेट हुआ, यहां तक समझ आया। अब अगर इसका मैं रफ ग्राफ बताने की कोशिश करूं, तो टी जीरो पे चार्ज क्या था, मैक्सिमम, ठीक है, फिर ये क्या हो गया, किसी टाइम पे जाके जीरो हो गया होगा, फिर क्या हो गया, मिनिमम, लिख सकते, फिर क्या हो गया, जीरो, फिर क्या हो गया, मैक्सिमम। अब ये ग्राफ कॉस का होगा, इस कैसा होगा, वो मैथमेटिकली हम लोग डिराइव करेंगे। ऑसिलेशन तो है, ये तो पता लग गया, पीरियडिक एक मोशन तो कर रहा है चार्ज, है ना। अब देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहां तक सबके समझ आ गया। अब देखिए एट एनी टाइम टी सपोज द करंट इन द सर्किट इज आई, तो अब क्या लिखोगे, अगर हम लोग यहां पर किरचॉफ्स लॉ यूज करें तो क्या आ जाएगा, अगर यहां से लिखें तो क्या आ जाएगा, या जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, तो एट दिस टाइम जो चार्ज है उसको हमने प्लस क्यू एज्यूम कर लिया, लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज तो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, लिख सकते क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल
डी आई बाई डी टी लिख सकते हैं ना। देखिए यहां तक समझ आ गया सबको, ये कैसे लिखा यहां तक समझ आया? देखो ये तो एक ये तरीका हो सकता है। यहां से फिर और आसान में मेथड आपको बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात की तो ऐसा, इससे दो तीन मेथड में बता देता हूं। एट दिस टाइम अगर एनर्जी की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर, इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वेयर प्लस हाफ क्यू स्क्वेयर बाई सी। ये लिख सकते दोनों तरीके से, सब लोग निकाल सकते हैं। एनर्जी मेथड आपको ज्यादा इजी दिखेगा, लिख सकते ना। तो हाफ एल आई स्क्वायर प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, दिस इज द टोटल एनर्जी एट दिस टाइम। तो ये जो टोटल एनर्जी है ये क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी कॉन्स्टेंट है तो डी आई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो लिख सकते। तो डी बाई डी टी अगर जीरो हो गया तो क्या लिख सकते हम लोग, देखिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जीरो इज इक्वल टू हाफ एल डी आई में तो टू आई डी आई बाई डी टी लिख सकते ना, प्लस वन अपॉइंट टू टू क्यू बाई सी डी क्यू बाई डी टी लिख सकते। अब देखिए क्या है, यहां तक समझ आ गया सबको, और जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल आई डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी डी क्यू बाई डी टी को आई लिख सकते हैं आप क्या, यहां तक समझ आ गया। अब देखो क्या हो जाएगा, एल आई डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू आई, यहां तक सबके समझ आ रहे हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ठीक है, तो देखो आई को डी क्यू बाई डी टी लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू, लिख सकते ना। देखिए एक सी छूट गया आपका, यहां पे लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एल सी इन टू क्यू, लिख सकते। यहां तक सबके समझ आए, ये मैंने लिखा। अब देखो एस एच एम की बात, यहां तक तो समझ आ गया कि चार्ज कैसे, ये लिख लिया होगा सबने। तो अब देखो टाइम कैसे खत्म होकर के एक टाइम पीरियड कंप्लीट होके यहां तक पहुंचे थे आप। अब देखिए अगर लीनियर एस एच एम की बात करें तो हमने वहां पे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा था। ये बिल्कुल सेम पैटर्न पे आ रहा है, यहां पे एक्स मतलब लीनियर मतलब पोजीशन का ऑसिलेशन होता था, यहां पे क्या हो गया, चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है, लिख सकते ना। तो मतलब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, इट मींस कि ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, वन अपॉन एल सी, इट विल गिव ओमेगा इज इक्वल टू रूट वन अपॉन एल सी। तो अगर आपको फ्रिक्वेंसी चाहिए ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अपॉन टू पाई रूट वन अपॉन एल सी लिख सकते हैं, यहां तक समझ आ गया। तो देखो यहां से क्या पता लगा, ये यहां से आप जो एक्स लिखते थे वो ए साइन ओमेगा टी आता था, लिख सकते थे ना, और प्लस इनिशियल कुछ फेज डिफरेंस होता था, मतलब ये साइन फंक्शन बनता था ये, तो ये भी वही बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा, यही फंक्शन बनेगा, बट T0 पे चार्ज मैक्सिमम है इसलिए मैं Q इज इक्वल टू मैक्सिमम Q cos ओमेगा T लिख सकता, पर ओमेगा इज रूट वन अपॉन एल सी। तो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनता जाएगा, लिख सकते cos का ग्राफ, क्यों ऐसा लिखा समझ आ रहा है, लिख सकते। तो ये एल सी ऑसिलेशन हो गया, कैसे लिखा यहां तक समझ आ गया, मतलब क्या था ऑसिलेशन का ये भी समझ आया होगा। अब देखो यहां पे अगर आपसे पूछता है फाइंड द करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम टी, अब कुछ नहीं, क्यू का फॉर्मूला है तो तुम्हारे पास, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देना, डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपसे आपको क्यू मिल जाएगा, लिख सकते। तो यहां तक सबके समझ आ गया, तो उसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा ठीक है।